अब हम करेंगे जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट सम का, 196 और 38,220। हमने इसको भाग करना शुरू किया जैसे हम आमतौर पे भाग करते हैं उसी तरीके से, ऊपर से अंक नीचे ले आए, फिर दोबारा आगे भाग चला लिया, अब इसको जीरो को नीचे ले आए, शेष पर आ गया हमारे पास जीरो। इस वाले सवाल में और पहले वाले भाग में क्या अंतर है? फर्स्ट पार्ट के अंदर हर एक स्टेप पर अलग अलग हमारे पास जो शेषफल हैं या जो रिमाइंडर है वो आ रहे थे, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्योंकि ऊपर ज़्यादा अंक हैं, तीन अंक इधर हैं और उससे ज़्यादा दो अंक और हैं, ज़्यादा अंक होने की वजह से हम बार बार अंक को नीचे लेके आते हैं जो हमारी भाग की विधि है, और उसकी वजह से हमारे पास एक ही स्टेप में जो है शेषफल जीरो आ जाता है। इसको करने के लिए फिर से जब हम यूक्लिड का यूज़ करेंगे तो जैसे पहले लिखा था, जो अंदर वाला नंबर है वो तो लिखा जाएगा लेफ्ट में, जिसने भाग किया जो भागफल आया उन दोनों की जाएगी गुना और जो शेषफल है उसको जोड़ दिया जाएगा। और जैसा कि हमें मालूम है कि जिस अंक संख्या से भाग करने पर जीरो शेषफल आए वही एचसीएफ है, 196 से भाग करने पर जो शेषफल है वो जीरो आया है, इसलिए जो 196 है वो खुद ही क्या होगा, वो खुद ही भागफल एचसीएफ बन जाएगा। जो हमने अंक दिए थे, जो संख्याएं ली थी, उन संख्याओं को भाग करने पर जिसने जीरो शेषफल बना दिया वो कौन है, वो 196 है, तो 196 खुद ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो तीसरा भाग है 867 है और 255 है। अब हम इसको करेंगे, दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको अंदर लिखा जाएगा, जो छोटी संख्या है उसे भाग करेंगे। अब हमारे पास शेषफल आ गया, अब ये जो शेषफल है ये भाग करेगा और जो पहले संख्या भाग कर रही थी उसको अंदर लिखा जाएगा। अब फिर से जो शेषफल है वो भाग करेगा और जो पहले संख्या भाग कर रही थी उसको अंदर लिखा जाएगा। हमें ये प्रक्रिया कब तक करनी है, जब तक कि जीरो शेषफल ना आ जाए। तो भाग करते करते जीरो शेषफल जो है हमारे पास आ जाता है। और फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए हमें इसे लिखना है। हमें मालूम है हम क्या फार्मूला बनाते हैं इसका, a बराबर है बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्या होगा, जीरो से बड़ा और b से छोटा। यहाँ पर a की जगह क्या आता है, जो संख्या अंदर थी। तो अंदर कौन कौन सी संख्याएं हैं, पहले 867 है, उसके बाद 255 है और उसके बाद 102 है। बाहर की दोनों संख्याएं गुना होंगी और शेष फल जुड़ जाएगा, यानी कि 255 को 3 से गुना किया और 102 जोड़ दिया। अब 255 के लिए भी बाहर की दोनों संख्याएं गुना होंगी और शेष फल जुड़ जाएगा। इसी तरह तीसरे स्टेप में भी बाहर की जो दोनों संख्याएं हैं वो गुना होंगी और शेष फल जुड़ जाएगा। जैसे ही शेष फल जीरो हो जाता है तो जो हमारी संख्या भाग कर रही थी वही क्या हो जाएगी, एचसीएफ। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के लिए एचसीएफ क्या है, 51। 51 से भाग करने पर ही जीरो शेषफल आया है, तो हमारे लिए 51 ही इन संख्याओं का एचसीएफ है।